नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन पांच संकेतों के बारे में जो हमें बताएंगे कि हमारी पूजा देवी देवता स्वीकार करते हैं। शायद जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने देवी देवता की माला निकालते हैं, मंत्रा जाप करते हैं, दिन रात उनके नाम का ध्यान करते हैं, तो वह देवी देवता को स्वीकार है या नहीं है, वह आज हम जानेंगे। दोस्तों, पूजा स्वीकार होने का सबसे पहला जो संकेत होता है वह स्वयं में ही दिखाई देने लग जाता है। जैसे जब भी आप पूजा पाठ करोगे तो आपकी जो लगन होती है वह और भी ज़्यादा अपने देवता के लिए गहरी होनी शुरू हो जाती है। आप लोगों के दिमाग में, आपके विचारों में वो देवी देवता बसने लग जाते हैं। एक मीठी मीठी याद आपको अपने देवी देवताओं की आने लग जाती है कि दोस्तों, देवी देवता उन्हीं का अपने जीवन में, उन्हीं का अपने साथ में मन लगाते हैं जो उनको प्रिय होते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आपका मन पूजा पाठ का करेगा तो आपको एक एहसास होता है कि जैसे आपके पूजा घर में कोई शक्ति आकर बैठ गई है। और कई बार क्या होता है, जब हमारा पूजा करने का मन ही नहीं होता तो हमें इन चीज़ों से आलस आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले संकेत में यही बताया गया है कि उसकी पूजा में लगन बढ़ जाती है जिनकी देवी देवता पूजा स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो हम पूजा करेंगे, देवी देवता भी उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देवी देवता का जो दीपक जला हुआ होता है वह दीपक की ओर आकर्षित करते हैं, अपने भवन की ओर आपको आकर्षित करते हैं, अपने मंदिर की ओर आपको आकर्षित करते हैं। और आप लोग कई कई घंटे पूजा पाठ पर बिताने लग जाते हो कि आसपास का जो वातावरण होता है वह सुगंधित में बदलना शुरू हो जाता है। आपके आसपास की हवाएं ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें एक ठंडक का वास होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि जो आप पूजा पाठ करते हो देवी देवता के नाम से, वह देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत में दोस्तों, अगर आप अपने देवी देवता की भक्ति कर रहे हो और भक्ति करते करते आपको ऐसा लगे कि जैसे देवी देवता की जो तस्वीर आपके आगे रखी हुई है उनमें कोई मुस्कान आई हो, या फिर उन्होंने अपनी पलक को झपकाया हो, या फिर वहाँ पर कोई भी हलचल हुई हो, तो आप समझ जाएं कि ईश्वरीय शक्ति आपकी पूजा को स्वीकार करती है, वह देवी देवता भी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके मन में एक अपने देवी देवता के लिए भाव प्रकट होने लग जाता है। आप लोगों की आंखों से रोना आने लगता है। वह दोस्तों रोना नहीं, वह आपकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वह अपने देवी देवता का भाव आपके सामने, अपने आपके देवता के सामने प्रकट करते हैं। आँखों से आंसू, मुख से उबासियाँ, वह आपको एक आलस आना, एक नींद की मिठास आपको महसूस होने लग जाती है, आपको आनंद आने लग जाता है, आपका मन शांत होने लग जाता है, मन के विचार दूर हो जाने लग जाते हैं। जब भी आप अपने देवी देवता के सामने बैठोगे तो आपकी जो चिंताएं होती हैं वो दूर हो जानी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है और जो भी पूजा पाठ करते हैं वह देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, बात आती है तीसरे संकेत की। दोस्तों, तीसरे संकेत में बताया गया है कि जब आपने देवी देवता कोई भोजन स्वीकार करते हैं और
जोत बाती या फिर ध्यान आपका या फिर मंत्रा जाप माला कोई भी आप किसी भी प्रकार से आप अपने देवी देवता को प्रसन्न करते हो, उनके नाम से उनके घी की आहुतियाँ देते हो और आप सोचते हो कि क्या शायद मेरा भोग देवी देवता स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो देवी देवता होते हैं वह आपको स्वप्न में दिखाना शुरू कर देते हैं। जो भी आप भोग उन देवी देवता के नाम से डालोगे तो वही भोग आप लोगों को स्वप्न में रात्रि में दिखना शुरू हो जाता है, वही भोग आप लोगों को स्वप्न में नजर आएगा और देवी देवता के मंदिर तस्वीर मूर्ति सब चीजें दिखाई देना आप लोगों को शुरू हो जाता है, देवी देवता की ज्योति दिखनी आप लोगों को शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप लोग समझ जाएं कि जो भी आप पूजा करते हो वह सफल हो रही है, उस पूजा का जो फल है वह आपको पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है। कई बार दोस्तों आपको अगर आप माता रानी की पूजा करते हो तो आपको छोटी कन्या के रूप में माँ दर्शन भी दे सकती हैं, आप लोगों को अपने पूजा घर में एक आभास हो सकता है जैसे कोई शक्ति वहाँ पर बैठी हुई है या फिर कोई शक्ति के आने जाने का आभास अगर आपको बार बार होता हो तो तब भी आपकी पूजा स्वीकार है, यह आप मान सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के घर के जो देवी देवता होते हैं जैसे आपके पितर देवता, आपके घर के माँ कुल देवी, आपके इष्ट देवता, इनके दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। कई बार दोस्तों हमें हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर हमारे जो पितर देवी देवता हैं वह शक्तियाँ हमें रात्रि में स्वप्न के माध्यम से कुछ खाती हुई, कुछ भोग खाती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे में भी दोस्तों जब तक हमारे पितर देवता हमसे प्रसन्न नहीं होते तब तक हमारे घर में से किसी भी देवी देवता का भोग स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए हमारे जब पितर देवता हमें खुश नज़र आते हों, स्वप्न में हमें दर्शन देते हों, तो आप लोग समझ जाएं कि आप लोगों की जो पूजा पाठ है वह बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है और वह बिल्कुल सफल है और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इसी प्रकार से दोस्तों बात आती है चौथे संकेत की। दोस्तों चौथा संकेत आपको दीपक के माध्यम से दिखाई पड़ता है। दोस्तों दीपक में बनता हुआ फूल भी यह दर्शाता है कि जो आपकी पूजा पाठ है वह बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। पूजा दीपक में फूल बनने के साथ साथ दोस्तों वह फूल कभी भी बन सकता है, हफ्ते में एक बार, दो बार, महीने में भी बार बार या फिर हर रोज भी बन सकता है। ऐसा बनने पर भी दोस्तों माना जाता है कि देवी देवता हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों दीपक की लौ का कभी भभकना और कभी शांत रूप में चलना दोस्तों यह भी दर्शाता है कि देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। दीपक की लौ का ऊपर की तरफ उठ जाना तो यह भी दोस्तों हमें दर्शाता है कि हमारी जो पूजा पाठ है वह हमारी स्वीकार हो रही है। ऐसे में दोस्तों हमें अपने देवी देवता के नाम से अपने घर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे साथ हमारे इष्ट देव की कृपा बनी रहे। तो इसी प्रकार से दोस्तों बात आती है पांचवें संकेत की। दोस्तों पांचवा जो संकेत आपको प्राप्त होता है वह ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है। जब आप उठोगे आपके होने वाली जो परेशानियाँ होती हैं उनका जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपको पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं, होने वाली चीज़ों का आपको पहले ही आभास होने लग जाता है। कई बार हमारे जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उनके बारे में देवी देवता हमें पहले ही जगा देते हैं, बता देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों देवी देवता हमारी पूरी तरह से सहायता करते हैं, होने वाली घटनाओं का पहले ही हमें पता बता देते हैं और दोस्तों उनसे बचने का जो रास्ता है वह भी हमें साथ बता देते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ कई बार हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं लेकिन जब हम अपने ईश्वर अपने देवी देवता के सामने जाकर बैठते हैं तो हमारा रोना आने लगता है और रोना आने से हमारा मन बिल्कुल हल्का पड़ जाता है। हल्का पड़ने के साथ साथ हमारी जो परेशानी होती है वह ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में भी हम लोग मान सकते हैं कि देवी देवता हमारी सहायता करते हैं और जो हम उनको बात कहना चाहते हैं वह हमारी बात को पूरे निष्ठावान भाव से सुनते हैं। दोस्तों ये पांच संकेत थे जिनसे हम जान सकते हैं कि देवी देवता हमारी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं और वह शक्ति वास हमारे घर में होता है।
तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार की और अन्य वीडियो के साथ मैं आपसे कल मिलता हूँ।